जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसी की लाइव अपडेट के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने रचा बड़ा इतिहास, विराट कोहली को पीछे छोड़कर बन गए टेस्ट क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी की जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिरकार रोहित शर्मा ने वो कौन सा बड़ा कारनामा अपने नाम किया उसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को दी चेतावनी, कह डाली ऐसी बड़ी बात की जानने के बाद हर एक भारतीय नागरिक भड़क उठा। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि लीड्स में पारी की हार के बाद तैयारी में जुटी भारतीय टीम बुधवार को यहां ओवल में जब इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में उतरेगी तो सभी की नजरें खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे और सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर टीम प्रबंधन के फैसले पर टिकी हुई थी। हालांकि दोस्तों हम आपको बताएं कि लॉर्ड्स में प्रेरणादायक जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम ने हिडिंगले में दोनों पारियों में निराश किया, जहां पर ओवल में होने वाला यह टेस्ट मैच काफी ज्यादा अहम होगा क्योंकि दोनों ही टीमें इसमें जीत दर्ज करके सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेंगी। और इसकी कोशिश एक तरफ जहां भारतीय टीम करती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी यही करना चाहेगी। तो वहीं दोस्तों अभी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर चल रही है, जहां पर भारतीय कप्तान जानते हैं कि उनके बल्लेबाजी क्रम में सब कुछ ठीक नहीं है और उनकी सबसे बड़ी चिंता मध्यम क्रम है जिसमें वह चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे तीन दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। तो वहीं दोस्तों पुजारा ने लीड्स में तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में 91 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, लेकिन लॉर्ड्स में अपनी दूसरी पारी में 61 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से नाकाम रहे। और वहीं पिछले 2 सालों में उनके प्रदर्शन में निरंतरता कमी देखने के लिए मिली है और टीम को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। हालांकि दोस्तों रहाणे को बाहर करने पर सूर्य कुमार यादव जैसे आक्रामक बल्लेबाज या फिर हनुमा बिहारी जैसे पारंपरिक खिलाड़ी मध्यम क्रम में नयापन ला सकते हैं। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि रहाणे को अगर बाहर किया जाता है तो बिहारी की टीम में जगह बनाने की संभावना अधिक है क्योंकि वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो वहीं कप्तान विराट कोहली हालांकि दिखा चुके हैं कि सुनील गावस्कर सहित भारत के दिग्गज क्रिकेटरों के सुझाव के बावजूद वह अपनी पसंद की टीम के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं दोस्तों सलामी बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और केएल राहुल के अलावा अन्य बल्लेबाजों की विफलता के बावजूद कोहली ने 5 गेंदबाजों के साथ उतरने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि ईशांत शर्मा लीड्स में बिल्कुल भी रंग में नजर नहीं आए। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने ईशांत की चोट को लेकर बात से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी इस तेज गेंदबाज को लेकर टीम में सवाल है। अगर ईशांत को टीम में शामिल नहीं किया जाता है तो शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है जो कि चोट से पहले नॉटिंगम टेस्ट मैच खेले थे। अगर शार्दुल पूरी तरीके से फिट नहीं है तो भारत के पास उमेश यादव के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। तो वहीं दोस्तों कोहली ने तेज गेंदबाजों को आराम देते हुए मौका देने की बात कही है और ऐसे में उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी को तोड़ना ना पड़े। तो वहीं रविंद्र जडेजा के घुटने में चोट है और इस वजह से अश्विन को टीम में मौका मिल सकता है। हालांकि रविंद्र जडेजा 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ही हासिल कर पाए हैं। तो वहीं ओवल की पिच पर पारंपरिक रूप से स्पिनरों को मदद मिलती है और समरसेट के खिलाफ काउंटी मैच में अश्विन ने 6 विकेट भी चटकाए थे। तो ऐसे में दोस्तों अश्विन को तो टीम में मौका बिल्कुल साफ है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कप्तान विराट कोहली और क्या क्या टीम में बदलाव करते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन बदलावों के साथ भारतीय टीम जरूर इस मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रोहित शर्मा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़ा, 6 साल बाद जो रूट बने नंबर 1। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के दम पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आईसीसी की बुधवार को जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो रूट ने नॉटिंगम, लॉर्ड्स और लीड्स में हुए टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ा और उनका एग्रीगेट 126.75 के औसत से 507 रन उन्होंने बनाए और इस प्रदर्शन के दम पर रूट न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को
पछाड़कर नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बन गए। तो वहीं 6 साल बाद जो रूट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। तो वहीं दोस्तों भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले रूट 5वें स्थान पर थे, लेकिन अब उन्होंने शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। तो वहीं रूट के अलावा जॉनी बेस्टो 5 स्थान के सुधार के साथ 24वें नंबर पर आ गए हैं और वहीं डेविड मलान 88वें स्थान पर आ चुके हैं। तो वहीं दोस्तों भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने छलांग लगाई और उन्होंने कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए 1 स्थान के सुधार के साथ वो शीर्ष 5 में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये रोहित शर्मा के लिए काफी ज्यादा अच्छी खुशखबरी है। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4था टेस्ट मुकाबला ओवल में गुरुवार यानी कि कल से खेला जाने वाला है और जहां पर दोनों ही टीमें इस सीरीज में अभी 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं और ऐसे में अब ओवल टेस्ट में भारत और इंग्लैंड की टीमें बढ़त लेना चाहेंगी। तो वहीं दोस्तों सीरीज के 4थे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के खेमे से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 4थे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर इंग्लैंड की टीम में तो बदलाव होते हुए दिखाई देने ही वाले हैं, साथ के साथ इस बार भारतीय टीम में भी काफी बड़े बड़े बदलाव आप सभी को होते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि खबरों के अनुसार भारतीय टीम के उपकप्तान अब रोहित शर्मा को बना दिया गया है, जहां पर रोहित शर्मा कप्तान विराट कोहली के साथ भारत की प्लेइंग 11 टीम चुनने में मदद करेंगे। और ऐसे में 4थे टेस्ट मुकाबले से पहले रोहित शर्मा का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि हमारे मुकाबले से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार हम ज्यादा युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे और रविचंद्रन अश्विन जैसे खतरनाक खिलाड़ी की भी टीम में हम वापसी इस बार करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आइए अब हम आपको बताते कि आखिर रोहित शर्मा ने कौन सी भारतीय प्लेइंग 11 टीम बनाई है जो कि आप सभी को 4थे टेस्ट मुकाबले में खेलती हुई दिखाई देने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में रोहित शर्मा ने जिन खिलाड़ियों को शामिल किया उसमें नाम निकल कर आते हैं, नंबर पर कप्तान विराट कोहली, 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे और 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत का नाम रखा गया है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और केएल राहुल आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी भारतीय टीम जो कि आप सभी को मैदान पर दिखाई देगी, जिसे रोहित शर्मा ने खुद बताया। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय इस टीम के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट बोले सीरीज जीतना है तो इस भारतीय खिलाड़ी को हमें खामोश करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 4था मुकाबला 2 सितंबर से शुरू होगा, जहां पर ओवल में होने वाले इस मुकाबले से पहले लीड्स में मेजबान इंग्लैंड को जीत मिली थी और ऐसे दमदार जीत हासिल करने के बाद इंग्लैंड ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी भी हासिल कर लिया। तो अच्छे खिलाड़ियों को आउट करने के तरीके का पता लगाना होता है और जो कि हम विराट कोहली के साथ कर पाए और हम हमेशा ही उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उसी पर अमल कर उनका विकेट चटका देते हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।